बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। जितना मुश्किल एक फिल्म को डायरेक्ट करना या फिल्म में एक्ट करना होता है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट किसी फिल्म को लिखना होता है। ऐसे डायलॉग्स जो आप एक बार सुन लो तो कभी ना भूलो, या ऐसे डायलॉग्स जो एवरग्रीन हो। बॉलीवुड की एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने मिलकर ऐसे डायलॉग्स दिए जो आज भी सबकी जुबान पर रहते हैं। जोड़ी है सलीम खान और जावेद अख्तर की। 24 फिल्में और 22 हिट, पहली ऐसी जोड़ी। वेट, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते अभी, पहले इनके कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स पर नजर डालते हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, जो डर गया समझो मर गया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। मुगैम्बो, खुश हुआ। हमारे देश में काम ढूंढना भी एक काम है। ये वो जमाना है जहां आप आहिस्ता से सच बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और जोर से झूठ बोलोगे तो सब मान लेंगे। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है जब खामोशी एक जुर्म और एक पाप बन जाती है। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा आनंद, और आप देख रहे हैं जागरण.com। अगर आपने अभी तक दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कहीं कोई मसाला मिस ना हो जाए। एंग्री यंग मैन, ये सुनकर सबसे पहला नाम दिमाग में क्या आता है? अमिताभ बच्चन का, है ना? लेकिन अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया किसने? सुपरहिट फिल्मों ने और सुपरहिट डायलॉग्स ने, जो लिखे थे सलीम जावेद ने। इसी जोड़ी के ऊपर आई है एक डॉक्यूमेंट्री। गोल्डन एरा के सुहाने सिनेमा को सलीम जावेद एंग्री यंग मैन के दौर में लेकर गए, जिसमें हीरो रोने गाने के बजाय स्ट्रॉन्ग टफ लुक में दिखा। समाज और सिस्टम से जूझ रहे आम दर्शक के मन की बात पर्दे पर आई तो सलीम जावेद खुद भी स्टार बन गए। पता है, एक लेखक को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कि एक एक्टर या डायरेक्टर को दी जाती है। पहले के टाइम पर तो राइटर्स का नाम तक मेंशन नहीं किया जाता था, लेकिन सलीम जावेद की वो पहली जोड़ी थी जिसको क्रेडिट भी मिला और फेम भी। हीरो से ज्यादा फीस लेने का दम सलीम जावेद की जोड़ी से पहले कोई राइटर ना दिखा सका था। हीरो जो भी हो, निर्देशक कोई भी हो, लेकिन फिल्म सलीम जावेद के नाम से ही बिकती थी। आज के दौर में किसी फिल्म लेखक के लिए ऐसे स्टारडम की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। प्राइम वीडियो की डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन द सलीम जावेद स्टोरी इस लेखक जोड़ी के उसी सुनहरे दौर में ले जाती है। लगभग 45 मिनट की 3 एपिसोड्स की ये सीरीज सलीम जावेद की जोड़ी कैसे बनी, कैसे 1981 में दोनों अलग हुए, उनकी जोड़ी टूट गई, उनकी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के बारे में ये सभी राज खोलती है। सलमान खान फिल्म और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सीरीज का निर्माण किया है। सलीम खान और जावेद अख्तर भले ही अलग शख्सियत हैं, मगर दोनों की जिंदगी तकरीबन एक जैसी ही रही। सलीम फिल्मों के असफल हीरो थे तो जावेद अख्तर स्ट्रगलिंग असिस्टेंट। दोनों ने बचपन में अपनी मां को खो दिया था, फिल्मों में करियर बनाने के लिए घर से भागे और संघर्ष किया। इस बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर की आंखों में आंसू भी आ गए थे। सरहदी लुटेरा की मेकिंग के दौरान दोनों मिले, ये फिल्म दोनों के लिए काफी खास है। सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में नायिका की भूमिका काफी अहम रही है, खासकर माँ के किरदार, चाहे दीवार की निरुपा राय हो या त्रिशूल की राखी। सलीम जावेद की जोड़ी जब बुलंदी पर थी तो उन पर हॉलीवुड फिल्मों से कंटेंट चुराने के आरोप भी लगे थे। इस बारे में सलीम खान बेबाकी से बात करते हैं। वो खुद बताते हैं कि शोले का सिक्के वाला जो दृश्य था वो 1954 की हॉलीवुड फिल्म गार्डन ऑफ इविल से प्रेरित था। इस डॉक्यूमेंट्री में सलमान, फरहान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कई स्टार्स आपको देखेंगे जो एक आइकॉनिक जोड़ी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में पर्सनल लॉस के बारे में भी बात हुई है। जिस वक्त सलीम जावेद की जोड़ी टूटी, लगभग उसी समय हनी ईरानी के साथ जावेद अख्तर की शादी भी टूटी थी। शबाना आजमी उस दौर को याद करते हुए बताती हैं कि उन्हें होम ब्रेकर कहा गया था, मगर उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। इस डॉक्यूमेंट्री में काफी हद तक सच दिखाया गया है, क्योंकि बैक टू बैक हिट फिल्में देने के बाद सलीम जावेद की एरोगेंस पे भी डॉक्यूमेंट्री पर बात की गई है। इस हिस्से में हनी ईरानी और जया बच्चन की बात सुनने लायक है। अगर आपको पुरानी फिल्में पसंद है या उनके बारे में जानना पसंद है, देन दिस डॉक्यूमेंट्री इज जस्ट फॉर यू।